नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। आज 16 दिसंबर 2019 है, पौष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और तिथि पंचमी है। वार सोमवार है, विक्रम संवत 2076 है, परिधावी नाम का संवत्सर चल रहा है और शक संवत 1941 है। सूर्य इस समय दक्षिणायन में है और हेमंत ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 18 रबीउल सानी माह और हिजरी सन 1441 है। पंचांग की बात करें आज की, तो तिथि पंचमी है, रात्रि में 3:41 तक, उसके उपरांत षष्ठी तिथि है। नक्षत्र अश्लेषा रात्रि में 2:47 तक है, उसके उपरांत मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग वैदिति रात 2:01 तक, उसके उपरांत विषकुंभ योग शुरू हो जाएगा। और करण कौलव है दिन में 4:37 तक, उसके उपरांत तैतिलकरण शुरू हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 7:13 पर और सूर्यास्त 5:32 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य धनु में प्रवेश कर रहा है, धनु राशि के अंदर 3:28 पर। बृहस्पति शनि केतु धनु राशि के अंदर पहले से ही हैं और बुध वृश्चिक राशि के अंदर और शुक्र मकर राशि के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। मंगल तुला राशि के अंदर है, राहु मिथुन राशि के अंदर है। चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 2:47 पर। ग्रह योग की बात करें तो सूर्य की धनु राशि जो संक्रांति है उसका पुण्यकाल 9:04 से और गुरु अस्त हो रहा है पश्चिम के अंदर रात्रि में 3:25 पर। व्रत त्यौहार की बात करें तो पौष संक्रांति है, धनु मल मास प्रारंभ है और वैद्य पुण्य योग आज ही है। शेष चौगड़ी जिनमें हम अच्छे कार्यों को करते हैं उनको अगर देखें तो अमृत का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 8:30 तक है। शुभ का चौगड़िया 9:47 से 11:05 तक है और चर लाभ और अमृत के चौगड़िए 1:39 से सूर्यास्त तक रहने वाले हैं। राहु काल वेला जो लोग टालते हैं उनके लिए 7:30 से 9 तक है। अगर राहु काल वेला में आप शुभ कार्य नहीं करते हो और फिर भी शुभ कार्य करना आपके लिए आवश्यक हो जाए तो प्रातःकालीन सूर्योदय का दर्शन करके कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल का दुष्प्रभाव कम होगा। दिशाशूल जो लोग मानते हैं आज पूर्व के अंदर दिशाशूल है, यदि पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक है और टाला संभव नहीं है तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व दही और गुड़ का सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं। आज के दिन की मूड की बात करें तो सूर्योदय कालीन कुंडली के अंदर आज दोपहर के बाद ग्रह स्थिति में बड़ा बदलाव आ रहा है। रात्रि में शुक्र अपने मित्र ग्रह शनि की राशि मकर में प्रवेश कर चुके हैं। आज दोपहर में 3:38 के बाद सूर्य बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश कर रहे हैं और धनु में राशि के अंदर फिर से चतुर्ग्रही योग बन जाएगा क्योंकि धनु राशि में पहले से ही बृहस्पति और शनि और केतु विद्यमान है। इस तरह से अगर देखें तो धनु मास का प्रारंभ हो रहा है और ये जो ग्रहों का पूरा एक बदलाव है ये कैसे लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव या जिस तरह के भी फर्क हम देखना चाहें तो क्या इनका प्रभाव हम देखते हैं। बृहस्पति और सूर्य का साथ होना इस बात का बहुत रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से शासन अपनी मर्जी से अपने कार्यों को बहुत ही एक उद्विग्नता से या पूरी ताकत से करवाने पर आप देखेंगे कि करते हुए नजर आएंगे। आप कोई भी अधिकारी अपने अधिकारों को कटौती बिल्कुल इस दिन आज के इन चतुर्ग्रह योग की रोशनी में आप देखेंगे कि बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके कटौती और बाकी उनके विरोधी बहुत ही हावी रहते हुए चाहेंगे कि किसी भी तरह से जो शासन पक्ष है उसका कोई बात अगर उन्होंने बलात् कह दी है तो उसको कैसे विरोध किया जाए। तो ये एक तरह से बहुत ही एक ऐसी स्थिति के अंदर है जहाँ सूर्य और शनि साथ हो जाते हैं तो पक्ष विपक्ष लगभग बराबर की स्थिति में आता है। बहुत ही कम स्थिति ऐसी रहती है जहाँ पर विपक्ष थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे, तो चाहे वो घर हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे परिवार की स्थिति हो, चाहे एक कोई व्यवसाय की स्थिति हो, हर जगह आप ये देखेंगे कि दोनों स्थितियों में यानी जो आपके सामने जो खड़ा है वो भी अपने अधिकारों के प्रति उतना ही सचेत और उतना ही आपको रोकते हुए दिखाई देगा जितना कि करने वाला, तो दोनों तरफ स्थिति इक्वल है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर संतान पक्ष, अगर आपके बच्चे आपके पास में किसी चीज़ को लेकर के आज आ रहे हैं, किसी विचार को या किसी आग्रह को, तो आप यों ही ना टालें, उनको सुने, उनकी बात को महत्व दें,
और उन्हीं से इस बात के लिए आप एक समय सीमा तय करके, अगर टालना भी है कि इसको कब करेंगे, उनको पूरा आश्वासन देके और फिर इसको टालें, अन्यथा हो सकता है कि वो जिद पर आ जाएं और आपको उनकी बात माननी पड़े और इस तरह से एक घर में अशांति का माहौल हो जाए। आकाशीय स्थिति और हमारे जो घर की स्थिति, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं होता है, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो उसी तरह की आपको मिल रही होती है जैसी हमें सितारों से प्राप्त होती है। तो इसका जितना बेहतर हम उपयोग कर सकें उतना अच्छा। आइए अब बात करते हैं अंकों के आईने में आज के दिन की। आज का मूलांक 7 है, जो चंद्रमा का और नेपच्यून को रिप्रेजेंट करता है। भाग्यांक आज 4 है, जो सूर्य और यूरेनस को रिप्रेजेंट करता है। इसके मायने ये हैं कि चंद्रमा की पूरी एनर्जी आज साथ में है और सूर्य का नकारात्मक एनर्जी साथ में है। इन दोनों का मतलब ये है जो कि अगर कहीं कोई भावनात्मक कार्य हो रहा है तो उसको पूरी ऊर्जा है, आप अपनी बात पूरे मनोयोग से कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी के अधिकारों को या किसी को आपने परेशान करने का आज मन बना लिया, या सरकारी कार्यों के अंदर या ऐसी जगह पर आप खड़े हैं जहां पर आपको न्याय की अपेक्षा है, तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा डिले होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आप राजकीय पक्ष की तरफ आपके कार्य हैं उस तरफ जा रहे हैं, तो आज अगर आपने सोचा है कि दिन के जो शुरुआती दौर के अंदर ये कार्य हो जाए तो उसकी अपेक्षा इसमें टाइम लगता है, 2-3 घंटे ज़्यादा लगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं इमोशनल अगर एनर्जी की बात करें, अगर भावनात्मक कोई कार्य है, एक दूसरे को कहीं कोई चीज़ ऑफर करनी है, कोई मनाना है, कोई कहीं किसी चीज़ के लिए आप ये देख रहे हैं कि कोई रूठा हुआ है जिसको आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं, या इस तरह की कोई भी गतिविधि जिसमें इमोशंस काम आ रहे हैं, तो ये दिन बहुत ही सफल दिन है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ भाग्यम में।